Hello guys, welcome back to my channel, friends. I hope all of you are doing well and everyone is safe and healthy. And I'm so so happy and excited today, guys, because after so many. डेस मतलब बहुत दिनों के बाद मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक पर्पल हॉल एंड दिस टाइम आई सम वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ़ फ्रॉम पर्पल एंड दैट आर आल्सो न्यू लॉन्चेस फ्रॉम एन वाई बे एस गाइज एन वाई बे हैज़ लॉन्च दर्ड आई सडोज ब्लसेज हाईलाइटर्स प्राइमर फाउंडेशन ब्यूटी ब्लेंडर कॉम्पैक्ट सो डेफिनेटली दिस इज़ अ पर्पल हॉल तो मैं आपके साथ पर्पल का प्रोडक्ट्स भी शेयर करूँगी एंड अमेजन से जो प्रोडक्ट्स मैंने लिए थे दैट आईव ऑलरेडी सेर्ड इन अमेजोन हॉल सो उनका मैंने रिव्यू नहीं किया था सो तो उनका भी एक मिनी रिव्यू मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी एंड आई विल ऑल्सो शेयर विथ यू दिस मेकअप लुक क्रिएटेड यूजिंग ऑल इन माई बे प्रोडक्ट्स सो चले देखते हैं मैंने ये मेकअप लुक कैसे अचीव किया है लेट्स गेट स्टार्टेड विंटर शुरू हो चुके हैं इस वजह से मैं एक हैवी मॉइस्चराइजर आजकल यूज़ कर रही हूँ और उसको ही मैंने अप्लाई कर लिया है अच्छे से एंड आई फेस इज वेल मॉस्चराइज सो नेक्स्ट स्टेप इज अ प्राइमर एंड आई एम सो मच एक्साइटेड गाइज टू ट्राई आउट दिस प्राइमर सो दिस इज एन वाई बे प्रो प्राइमर ऑरेंज कलर करेक्टिंग फेस प्राइमर सो इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम है गाइज ओनली रुपीज़ टू हंड्रेड फोर्टी नाइन में हमको थ्री ईयर्स ऑफ सेल्फ लाइफ मिल जाता है एंड इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ पे मैंसन मिल जाता है कलर थोड़ा पीची काइंड ऑफ़ है ऑरेंज ही पीची काइंड ऑफ़ इसका कलर है सो so, मैं थोड़ा सा ही अमाउंट लूंगी लाइक दिस एंड इसको मैं अप्लाई कर लूँगी एंड इसका एक बहुत ही माइल्ड स्मेल है मतलब लाइक वैनिला चॉकलेट उस टाइप का इसका स्मेल है वो सो गई जब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ आई कैन फील द स्मूथनेस बहुत ही अच्छे से ग्लाइड हो रहा है मेरे स्किन के ऊपर थोड़ा आइज के ऊपर भी इसको मैं अप्लाई करूँगी जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे लगी इस प्राइमर का दैट इज़ uh, बहुत ही अच्छा मतलब स्मूथ बेस देता है आज इट क्लेम्स गाइस बहुत ही अच्छा इसका स्मूथ फिनिश है पोर फिलिंग की अगर मैं बात करूँ गाइस आई कैन नॉट टेल अबाउट दैट ट्रू स्पीकिंग क्योंकि मेरे फेस के ऊपर इतना ज़्यादा ओपन पोर का इश्यूज नहीं है आई हैव नॉट गॉट बिग ओपन पोर्स सो इट इज़ हार्ड टू टेल अबाउट दैट एंड दिस गिव्स अ गुड मैट फिनिश एज वेल ये ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छा एक बहुत ही अच्छा प्राइमर है एंड थोड़ा कलर करेक्ट भी करता है लाइट कलर करेक्शन भी करता है गाइस क्योंकि आप देख सकते हैं आ, मैंने इसको अप्लाई किया है अराउंड माई आईज आई कैन फील लिटिल बिट कलर करेक्शन एज वेल डेफिनेटली आई गोइंग टू ऑल्सो डू अ लिटिल बिट ऑफ कलर करेक्शन अराउंड माई आईज एंड माउथ के आसपास आप देख सकते हैं मुझे थोड़ा ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं इस वजह से सो आई एम गोइंग टू यूज़ एन वाई बे कलर करेक्टर स्टिक एंड मेरे पास जो सेड है दैट इज टेन ऑरेंज करेक्टर सो इसको मैं अप्लाई करूंगी मेरे आईज के अराउंड लिटिल बिट Like this, total mouth gas was.

नहीं है ब्लैक साइनी uh, इसका पैकेजिंग है एंड स्क्वायर पैकेजिंग है जो कि थोड़ा क्लासी लगता है एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मिरर फुल साइज मिरर मिल जाता है एंड पॉफ भी मिल जाता है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है इन क्वालिटी मैंने इसको अभी तक यूज नहीं किया है देख सकते हैं बट बहुत ज्यादा सॉफ्ट है आप देख सकते हैं इस तरीके का है एंड फेयर स्किन टोन्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा सेड है एंड परफेक्ट मैच फॉर माई स्किन टोन एक्चुअली इसका एक बहुत ही अच्छा माइल्ड स्मेल है बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग स्मेल है गाइस जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सो so, uh, ये प्रोडक्ट मुझे जेनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज अ फाउंडेशन बिकाज़ एन वाई बे ने एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन भी लॉन्च किया है दैट इज डी वी ड्रॉप्स फाउंडेशन ऐसा कुछ उसका नाम है शायद बिकॉज दैट वन आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर फ्रॉम पर्पल वो भी मुझे पहुँचेगा आई थिंक दिस वीक कमिंग वीक ओनली आई गेट दैट फाउंडेशन सो so, उसको भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी बट फॉर द टाइम बिंग आई डोंट हैव दैट विथ मी सो मैं यूज़ करने वाली हूँ लैकमे का नाइन टू फाइव प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन इन द सेड डब्ल्यू वन एटी वन नेचुरल इसको ब्लेंड करने के लिए भी मैं यूज़ करने वाली हूँ इन वेक का न्यूली लॉन्च ब्यूटी ब्लेंडर एंड आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई आउट दिस पर्टिकुलरली गाइज एंड इसका पैकेजिंग इज सो क्यूट गाइज छोटा सा पैकेजिंग है सो so, इस साइड में इसका प्राइस मिल जाता है दैट इज़ 199 हंड्रेड मैंने अभी तक ट्राई आउट नहीं किया है इसका कलर आप देख सकते हैं डिस पिंक इन कलर कलर तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड अभी तो सॉफ्ट लग रहा है सो so, इसको मैं पानी में अभी डाल के आपको दिखाती हूँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है एंड टोटली इसने पानी मतलब खींच लिया है आप देख सकते हैं सो आई जस्ट टेक ऑफ द वाटर मैं थोड़ा स्क्विच कर लूंगी इसको तो so, अभी आप देख सकते हैं इसका साइज कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है गैस मतलब डबल दिस साइज हो गया है एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गया है गाइस सो लेट्स ट्राई आउट दिस एंड देखते हैं कैसे ब्लेंड होता है सो hmm. so आप देख सकते हैं थोड़ा प्रोडक्ट ये सोक कर रहा है लिटिल बिट एंड दैट इज ऑल्सो क्वाइट नॉर्मल गाइस मतलब ब्यूटी ब्लेंडर्स हमेशा सोक ही करते हैं थोड़ा सा फाउंडेशन दैट इज़ ओके सो ब्लेंड कर लेते हैं इसको आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मेरा फाउंडेशन ब्लेंड हो गया है एंड यह ब्यूटी ब्लेंडर भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा एफ एय लुकिंग फॉर अ गुड ब्यूटी ब्लेंडर देन डेफिनेटली आप इसको जरूर ट्राई आउट कर सकते हैं इसका क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा है सो गाइज नेक्स्ट फॉर कॉन्सिलर हैव गॉट अ न्यू प्रोडक्ट एंड दिस इज बेला वॉस्टे हाई डेफिनेशन लिक्विड कॉन्सिलर एंड इसको भी मैंने देखा था रिसेंटली ऑन पर्पल डॉट कॉम सो गैस दिस इज ऑल्सो न्यू लॉन्च आई सपोज फर्स्ट जो सेड है दैट इज एस एल सी जीरो थ्री फोर एम एल इसमें हमको मिल जाता है कॉन्सिलर सो so, इसका आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग कुछ इस तरीके का है इसमें इसका प्राइस मिल जाता है दैट इज रुपीज़ टू हंड्रेड नाइन एंड इसमें हमको थ्री ईयर्स ऑफ सेल्फ लाइफ मिल जाता है पैकेजिंग इज बेसिक प्लास्टिक पैकेजिंग मतलब ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग एंड इट लुक्स अ लिटिल बिट डार्कर फॉर माई स्किन टोन आई जस्ट अप्लाई हियर अ लिटिल बेट सो so, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये कंसीलर ब्लेंड हो गया है एंड मुझे इसका क्वालिटी भी ठीक ठाक लगा बट मैं अभी आपके साथ ज़्यादा इसके बारे में शेयर नहीं कर पाऊंगी गाइस क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस कंसीलर इन फ्रंट ऑफ यू थोड़े टाइम के लिए यूज़ करूँगी गाइस यूज़ करके देखूंगी एंड उसके बाद आई विल टेल एवरीथिंग अबाउट दिस कंसीलर थोड़ा क्रीमी टेक्स्चर का ये है एंड अच्छे से ब्लेंड तो हो जाता है एंड

ज नेक्स्ट मूविंग टू ब्लस आई एम अगेन एक्साइटेड टू से विथ यू दिस प्रोडक्ट दिस इज एन वाई बे ब्लस दिस इज एन वाई बे सनसेट स्काईलाइन ब्लस एंड इसका पैकेजिंग आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता हैजिंग के पीछे सारा कुछ मिल जाता है पहले मैं आपको इसका शेड बोल देती हूँ द शेड दैट आई हैव इज वन डॉस्की मॉफ यहाँ पे मैंसड है एंड बैक साइड में सारा डिटेल्स मैंसन में, मिल जाता है द प्राइस रुपीज टू हंड्रेड थर्टी विच इज अगेन सो अफोर्डेबल एंड इसमें हमको थ्री ईयर्स ऑफ सेल्फ लाइफ मिल जाता है फाइव ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है एंड इसका इंग्रेडिएंट्स भी मैंसन है सो इंग्रेडिएंट्स में टैल एंड मिका मैंसन है बट इसमें कहीं पर भी पैराबेन मेन्सन नहीं है स्पीकिंग पैकेजिंग इज क्यूट एंड अच्छा पैकेजिंग है सच ए प्रिटी मॉफ से इसमें थोड़ा पिंक का अंडर है थोड़ा मॉफ का अंडर टोन है एंड इट इज़ अ वेरी प्रिटी सेट एंड आई थिंक ये सभी स्किन टोन्स के ऊपर अच्छा लगेगा एंड किक ऑफ थोड़ा है सो so, इसको अप्लाई कर लेते हैं वाह wow. so ये थोड़ा ज़्यादा पाउडर है इस वजह से बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है सो आफ्टर अप्लाइंग दिस ब्लस आप देख सकते हैं कितना अच्छा नेचुरल कलर है गाइस द सेड इज़ टू डाई फॉर ऐसा लगता है जैसे कि मेरे चीक्स नेचुरली ब्लस कर रहे हैं इतना अच्छा ब्लस है गाइस एंड आई हाईली रिकमेंड आप इसको जरूर ट्राई आउट कर सकते हो गाइस नेक्स्ट मूविंग टू हाइलाइटर आई एम गोइंग टू ट्राई आउट एन वाई बे साइन एंड सिमर हाईलाइटर सो इन्होंने इनका हाइलाइटर भी लॉन्च कर लिया गाइस आई एम सो एक्साइटेड सो एक्साइटेड सो इसका जो सेड है दैट इज वन स्टेरी सिल्वर यहाँ पे मैंसन है इसका प्राइस है रुपीज़ टू हंड्रेड सेवेंटी फाइव एंड वी आर गेटिंग थ्री ईयर्स ऑफ सेल्फ लाइफ देर इज नो पैराबिन एंड इसका पैकेजिंग भी छोटा सा प्लास्टिक पैकेजिंग है सच ए प्रिटी सेड आई जस्ट कैन बिलीव गाइस फॉर सच प्राइस वी आर गेटिंग सच ए गुड हाईलाइटर सो यू कैन सी द साइन गाइस द साइन एंड ब्लिंगनेस एंड इट इज बटरी ओ माई गॉड गाइस लुक एट द ग्लो गो मैं आपको क्या बताऊंगाइज आपने खुद ही देखा द ग्लो द वेट लुक ऑन माई फेस सो दिस हाईलेटर इज बॉम्ब गाइज बॉम डॉट कॉम में बोल सकती हूँ एंड दिस इज अ मस्ट ड्राई प्रोडक्ट गाइज फ्रॉम एन वाई बे एंड आई जस्ट लव दिस सो मच का सो मच प्लीज डोंट जज मी के मैं इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रही हूँ क्योंकि एन वाई बे इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स का इज मैंने जब मेरा चैनल भी स्टार्ट किया था मैंने एन वाई बे के बहुत सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यूज भी किया था क्योंकि दिस इज एन ए वेरी अफोर्डेबल ब्रांड एंड ऊपर से बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है ऑन पर्पल डॉट कॉम सो आई ऑलवेज बाय देर प्रोडक्ट्स एंड आई जेनुअनली लव दैर प्रोडक्ट्स सो मच सो दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड यू गाइज जस्ट लुक एट दिस दिस इज एन वाई बे आइसडो पैलेट आई जस्ट कैनॉट बिलीव कस मतलब उनका उन्होंने एक पैलेट भी लॉन्च कर लिया है स्विस्ट ब्यूटी का भी अल्टीमेट आइसडो पैलेट का पैकेजिंग कुछ इस तरीके का है डिटो सेम पैकेजिंग मुझे लगता है एंड पैकेजिंग के पीछे सारा कुछ मैंसन मिल जाता है द वैरियंट डेट आई हैव इज एवरी डे एसेंशियल का जो प्राइस है दैट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल ओनली रुपीज टू हंड्रेड नाइन्टी नाइन थ्री ईयर्स ऑफ सेल्फ लाइफ मिल जाता है की इंग्रेडिएंट्स भी मैंसनड है एंड इसमें भी कहीं पे भी पैराबेन मैंसन नहीं है सो दिस इज़ पैराबेन फ्री का पैकेजिंग बहुत ज़्यादा टाइट है अच्छे से क्लोज होता है नॉट अ फिलिमसी काइंड ऑफ पैकेजिंग इज आर ऑल द सेट्स डेली मेकअप के लिए ये वाला पैलेट को जरूर यूज़ कर सकते हैं सो इट हैज गॉट अ इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ मैट्स एक्चुअली देर आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स देर आर सिक्स मैट्स एंड रेस्ट थ्री आर सीमर्स ज़्यादा मेटेलिक टाइप ऑफ सेड्स इसमें नहीं है देर आर लिटिल बिट सीमरी सैटिन सीमरी कांड ऑफ सेट्स नॉट देट गिव दैट मेटेलिक कैंड ऑफ लुक आई एम गोइंग टू मिक्स दिस पिंक एंड दिस मॉप सेट्स एंड इसको मैं ट्राई मैं यूज करूँगी एज माई ट्रांजिशन सेट सो यू कैन सी दिस आर ऑल्सो लिटल विट पाउडरी सो इसको मैं यूज करूंगी लाइक दिस तो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू मिक्स दिस से लिटिल बिट इन माई ट्रांजिशन एरिया सो ये आप देख सकते हैं थोड़ा एक uh, मतलब बर्न औरज काइंड ऑफ सेड है एंड दिस इज रियली पिगमेंटेड यू कैन सी पिगमेंटेशन अच्छा है सो so, इसको हम ट्राई कर, कर लेते हैं इधर लाइक like दिस थोड़ा नीचे मिडिल में अभी आप ले कर, कर रही हूँ लाइक दिस सो सेम सेड को मैं मेरे लोए लैसलैन में भी थोड़ा थोड़ा प्लेन करूँगी नेक्स्ट हम गोइंग टू पिक दिस सीमरी सेड यह एक ब्रॉन्जी काइंड ऑफ शिमरी सेड है आप देख सकते हैं ये वाला सो इसको मैं अप्लाई करूँगी एंड दिस इज रियली गेटिंग पिक डेल विथ दिस ब्रश लास्टली हम गोइंग टू टेक दिस सेड ये एक कॉफी काइंड ऑफ मतलब डार्क सेड है आप देख सकते हैं एंड दिस इज अट सेड एक्चुअली सो एक पेंसिल ब्रश की मदद से मैं इसको पिक करूंगी लाइक दिस एंड इसको मैं मेरे आउटर भी मैं थोड़ा फोकस करते हुए ब्लेंड करूँगी ताकि हमको एक अच्छा सा स्मोकी लुक मिले सो लेट्स सी सो दिस इज एन वाई बे काजल इन द सेड ब्लैक एंड इसको मैं अप्लाई कर लूंगी मैं लो लेस लाइन में जो बर्न टेड को मैं थोड़ा लूंगी लाइक दिस एंड उसके साथ में ये वाला जो सेड है ये वाला डार्क ग्रे सेड है उसको थोड़ा मिक्स करूँगी एंड आई अप्लाई दिस इन लोअर लास्ट लाइन एंड इसको थोड़ा स्मोक आउट करूँगी सो गर्य कमिंग टू दिस आईसेड ऑफ पैलेट मुझे इसका पिगमेंटेशन ठीक ठाक लगा बहुत ज़्यादा हाई नहीं है कि बहुत ज़्यादा लो नहीं है एंड आपको इसको बिल्डअप करना पड़ेगा इसका पिगमेंटेशन को एंड ब्लेंडेबिलिटी भी अच्छा है अच्छा अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं सो फॉर एवरी डे यूज ऑल्सो दिस पैलेट इज रियली गुड एंड इसमें कुछ सेड्स भी हैं जो कि आप इवन यूज़ कर सकते हो आज ब्लस सो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग और आई लाइनर आई एम गोइंग टू यूज़ एनवाई बे सक्ति आई लैनर इन द सेड ब्लू इन द सेड टैंगो टू ये एक ब्लू सेड है उडर एंड मेरे पास जो शेड है ये दोनों को मिक्स करके ऑफ कैमरा फिल कर लूंगी नेक्स्ट टाइम गोइंग टू यूज दिस मस्कारा दिस इज वेट एंड वाइल्ड वॉल्यूम प्लस वाटर प्रूफ मस्कारा सो नेक्स्ट टाइम गोइंग टू हाईलाइट द इनर कॉर्नर ऑफ मई आईज आई एम गोइंग टू यूज दाईलाइटर इन वो लिपस्टिक आई एम गोइंग टू यूज एन वाई बे लिपस्टिक दिस इज एक्चुअली गायस एन वाई बे रे मैट डोल लिपस्टिक विथ आर्गन ऑल एंड इसका फुल इन डिटेल रिव्यू भी मैंने रिसेंटली शेयर किया है गाइस एंड लिप्स वाचे साज में सो गाइज आई कैनॉट टेल द सेड इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट क्योंकि आप देख सकते हैं इसका स्टिकर यहाँ से रिमूव हो चुका है सो इसका एक साइड में एक पिंक कलर है लाइक दिस सो इसको मैं अप्लाई करूँगी दिस इज माई फाइनल कंप्लीटेड लुक सो so गैस अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी अनहेल्पफुल लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अन पास ही में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको हिट कीजिए ताकि आप नोटिफाइड रहें जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं अन इस वीडियो को जरूर एक लाइक दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टा हैंडल है क्लाम अंडर स्कोर यायर अंडर स्कोर लुक सो वन सेकंड आई बी बैक विद अनदर वीडियो फॉर यू ऑल टिल चिल्ड्रेन बाय